जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है धनु राशि के लिए अक्टूबर 2016 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि के अधिपति ग्रह गुरु महाराज के बारे में, जो चल रहे हैं आपकी राशि से दसवें स्थान के अंदर। कर्म स्थान के अंदर गुरु का भ्रमण सामान्यतः शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि भवति भाव दोष कारकम सिद्धांत के अनुसार गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के लिए दोष कारका बन जाते हैं। तो जिसके चलते हुए खास करके आपको पिता के साथ रिलेशन में, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसका विशेष केयर करना होगा। यदि आप आपका खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस के अंदर विशेष सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। हालांकि जो गुरु की दृष्टि है वो शुभ है, कुटुंब शुभ धन सुख में वृद्धि करने वाली है। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य जो है वो आपके इजी हो सकते हैं और रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं। बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो कन्या राशि में है, दसवें स्थान में सूर्य का भ्रमण है, वो भी बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 16 अक्टूबर 2016 के बाद सूर्य चलेंगे आपकी राशि से 11वें स्थान में। तुला राशि में चलने वाले सूर्य भी आपके लिए बहुत शुभ है, मित्रों से लाभ रहेगा, सरकार से लाभ रहेगा और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो ये मंथ है आपके लिए बहुत शुभ है। बात करेंगे अदर प्लेनेटरी ट्रांजिट के बारे में। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से 9वें स्थान में है। 3 अक्टूबर से बुध चलेंगे आपके 10वें स्थान के अंदर, जो कि भी आपके लिए बहुत शुभ है, बिजनेस करियर में तरक्की करवाने वाले हैं। और 21 अक्टूबर से बुध चलेंगे लाभ स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये मंथ जो है बिजनेस एवं करियर वाइज बहुत शुभ मंथ रहेगा आपके लिए। बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो तुला राशि में है और 13 अक्टूबर 2016 तक शुक्र तुला राशि में है, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। और उसके बाद शुक्र चलेंगे वृश्चिक राशि में, तो राशि से 12वें स्थान के अंदर भी शुक्र का भ्रमण शुभ रहेगा, हालांकि आपके लग्जरियस एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। खास करके आपको डेट्स टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 5, 6 और 7, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 12वें चंद्र के अंदर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और डेट सबको टेक केयर करना है 22, 23 और 24, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कर्क राशि में। तो कर्क के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं, अष्टम चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये था प्रेडिक्शन धनु राशि के लिए अक्टूबर 2016 का। राहु एवं केतु, राहु आपके भाग्य स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो कि आपके लिए मध्यम प्रकार के माने जाएंगे, लेकिन केतु आपके लिए पराक्रम स्थान में चलने वाले हैं, जो कि आपके साहस में वृद्धि करने वाले हैं और साहस से आपको सफलता भी देने वाले हैं। यदि आपके कोई मित्र हैं धनु राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी फेसबुक इत्यादि प्रोफाइल पर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स करें चैनल पर, कमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब करिए चैनल और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।